बेटवा नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार 2 दिनों से हो रही झमाझम तेज बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया है। इसके चलते बेटमा कुटी पीथमपुर मार्ग ही बंद हो गया और वाहन चालक पुलिया के पानी उतरने का इंतजार करते रहे। इसके साथ ही सोयाबीन से भरे खेतों में पानी ही पानी हो गया। शुक्रवार को हुई तेज बारिश ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया और निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति विकट हो गई। खेतों में फसल पक कर तैयार हो गई थी, पर तेज बारिश ने अच्छी फसल पर पानी फेर दिया है। इधर बैटमा से कुटी और पीथमपुर पहुंच मार्ग के बीच में 3 पुलिया बदीपुरा, रणमल और काली बिल्लौद की पुलिया आती है। तीनों पुलिया के ऊपर से 4 से 5 फीट पानी बहकर निकल रहा है, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। घंटों से वाहन चालक पुलिया से पानी उतरने का इंतजार करते रहे। कई वाहन चालक तो बैटमा आने के लिए 10 से 30 किलोमीटर तक घूमकर आए। वहीं रात करीब 9 बजे तक यह स्थिति कुछ सामान्य हो पाई। बैटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मैं कालीब्लॉक ग्राम पंचायत के व्यस्तम रोड पर खड़ा हूँ, जहाँ हमारे यहाँ के सबसे बड़े उद्योग पीथमपुर को जोड़ने वाली बैटमा से रोड है। बैटमा पीथमपुर को जोड़ने वाली इस रोड पर थोड़ा थोड़ा पानी गिरने पर यहाँ पर इस प्रकार के कहर पानी बनकर आता है। और हमारे यहाँ सर जितने भी गाड़ियाँ हैं या यहाँ से जाने वाले साधन हैं, सभी अटक जाते हैं। एमरजेंसी में भी यहाँ पर कोई कार्य हो नहीं पाता है। अगर हॉस्पिटल या कहीं जाना हो तो हम इस गांव से निकल नहीं पाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार पानी बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में दोनों तरफ लोग खड़े हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ फंसी पड़ी है, जा नहीं पा रही है। अब ऐसी स्थिति में अगर गांव में कहीं कुछ देख हो गया तो हम लोग उसे ले जा नहीं पाते हैं। मैं सभी से आग्रह निवेदन करता हूँ कि यह वीडियो देखकर इसका निर्णय लें। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पर किस प्रकार लोग फंसे हुए हैं। मेरे पीछे भी किस प्रकार लोग फंसे हुए हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।